मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपने सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और स्पेशली एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कि आपने सेकंड पोजीशन हेल्ड की अपने पूरा एरिया के अंदर, फुलपुरा के अंदर। तो आपकी तरफ तो आपके घर का माहौल भी काफी अच्छा हो रहा होगा ये सुन के कि भी आपने सेकंड टॉप किया पूरे एरिया में ना। तो कैसा फील हो रहा है अभी? Sir, I'm feeling very proud at this moment. So because my one year hard work sir come through. नहीं ठीक है, सही बात है, हार्ड वर्क से ही रिजल्ट आता है काफी अच्छा, और आपने इस चीज को प्रूव भी किया है। तो सबसे पहले तो ऋषभ, अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देखेंगे और सुनेंगे, सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। Actually, sir, I am Rishab Tripathi and I have just qualified Sainik School entrance exam for class 9. Sir, actually, I am from UP but currently living in Delhi and I appeared for Sainik School Kunchpura. ठीक है। तो आपको inspiration कहाँ से मिली है कि आपने Sainik School को ही try करना है? मतलब आपका aim क्या है इसके अंदर? Sir, actually, my aim is to become an army officer. Okay. Yes, sir. So, that's my aim. ठीक है, दैट्स व्हाई आपने सैनिक स्कूल को चुना है। ठीक है, तो इट मींस आप वहां पर नाइन्थ क्लास में अपने आप को अपीयर करोगे वहां पर जाके। तो आई थिंक इसके बाद तो डायरेक्ट आपका मेडिकल ही होना है वैसे भी आपका। यस सर, ओनली मेडिकल ही। ठीक है, तो ये भी आपका आई थिंक सारा कुछ बहुत इजीली हो जाएगा, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है कि आप डेफिनेटली अपने सैनिक स्कूल के उसको अपीयर करोगे। तो अभी आपने कौन से सैनिक स्कूल को चुना हुआ है, मतलब कहां पर अपने आपको अपीयर करना चाहोगे? तो ये तो फिर बाय ब्लड ही हो गया, भी आपको अपने फादर को देख के कहीं इंस्पिरेशन आई है, भी आपको जाना ही है। तो अभी आपसे जो आपने बताया भी आपके भाई है वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं? सर ही इज ओल्डर देन एल्डर। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं अभी? सर ही इज परसिंग विद बीटेक। ओके ठीक है, तो बीटेक आप जा रहे हो ना डिफेंस सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो अब वो बात करते हैं थोड़ा सा आपके सिलेबस के बारे में, आपके एग्जाम के बारे में। इस बार जो आपने एग्जाम दिया है उसका लेवल कैसा रहा था? ठीक था, मीडियम था या हाई लेवल का था एग्जाम? सर इट वाज मॉडरेट, मीडियम पे और हाई के बीच में था। ठीक है, तो मतलब उसमें आपको कौन सा टॉपिक्स या किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा उसमें लगे कि भाई हाँ थोड़े से अप टू द मार्क आए? सर एक्चुअली द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश आई फाउंड इट सम ट्रिकी एंड इंटेलिजेंट, एंड सर एसएससी से फिर बाहर से आता है सर, आई लॉस्ट सम मार्क्स इन इट। ठीक है, तो अब जैसे ऋषभ आपने एक रेगुलर स्टडी भी की होगी एग्जाम से पहले, और आपने उसके बाद डीसीजी को आपने कब ज्वाइन किया था अपने सैनिक स्कूल के लिए? सर आई ज्वाइन डीबीसी इन जुलाई, सर जुलाई 2020। ओके, तो क्या आपको एक बेनिफिट नजर आया है जो आपने क्लासेस ली है यहाँ से? यस सर, सर एक्चुअली आई वुड थैंक अंकित सर, सर ही वाज माय मैथ टीचर, एंड सर बिकॉज ऑफ हिम आई जस्ट स्कोर 49 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 यू स्कोर 49 क्वेश्चन, ओह दैट्स ग्रेट। 196 आउट ऑफ 200 सर। Oh, that's great. Congratulations for this also. So, अब जैसे बात करते हैं कि आपने जैसे सेल्फ स्टडी किया और आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स आपके सैनिक स्कूल में आपने वहां पर दिए हैं, क्या आपको एक इम्प्रूवमेंट नजर आया अपने अपने अंदर क्लासेस लेने के बाद डीसी? सर एक्चुअली आफ्टर टेकिंग डीसी क्लासेस आई फेल्ट दैट आई कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, आई कैन रीड द व्हेनेवर आई रीड द एनसीईआरटी चैप्टर्स आई फील दैट आई कैन डू इट बाय मायसेल्फ, नथिंग इज बीइंग नथिंग आई हैव टू लर्न एक्सेप्ट द डेट। ओके, आपका फेवरेट टीचर कौन है आपकी क्लासेस के लिए? व्हाट सर? आपके फेवरेट टीचर कौन से रहे क्लास में आपके? सर अंकित सर एंड सिस्टी मैम। ओके, इंग्लिश में, इंग्लिश आई थिंक आपके सिस्टी मैम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी जैसे आपसे अगर मैं आपके सिलेबस के बारे में बात करूँ तो किस किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास साइंस के एग्जाम में? सर इन मैथ्स वी हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स व्हिच इज देयर इन द सिलेबस, in history the main topic is the reformer section and independence as a revolt of 1857. okay, ठीक है, तो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस और हिंदी वगैरह कुछ आता है इसमें?
यस सर, इन साइंस वी कैन गो बाय द एनसीईआरटी इन साइंस. ओके तो वो भी आपके जो आपने एक साल में आपने सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे उसी में से पूछा जाता होगा आपके पास. यस सर, यस सर. तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स आप पूछे जाते हैं आई थिंक आपके पास है. तो उसमें वेटेज कैसे कैसे दी जाती है एग्जाम क्वेश्चंस की, मतलब किस सब्जेक्ट्स में किसने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फिर इन मैथ 50 क्वेश्चंस एंड अदर सब्जेक्ट्स 25 क्वेश्चंस. 25 क्वेश्चन तो आपका टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका. यस सर. 350 स्कोर किया यानी 87.5% आपने स्कोर किया है. ठीक है. तो ऋषभ स्पेशली ऐसे बहुत बच्चे अपने आप को पीयर करते हैं और आपने कुंजपुरा में सेकंड टॉप किया है, तो कितने बच्चों ने आपको लगता है कि वहां पर एग्जाम दिया था कुंजपुरा में से? सर आई थिंक इन माय सेंटर सर एक्चुअली बिकॉज ऑफ COVID-19 द सेंटर वाज लेट फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. सो सर आई थिंक दे वर अराउंड 100 टू 200 स्टूडेंट्स इन माय तो जो अभी एक लिस्ट आई है जिसमें आपने अपनी सेकंड पोजीशन को गेन किया है, तो उसमें आपको कितने बच्चे थे जिन्होंने इसमें अपने आप को अपील किया इस बार? आई थिंक अराउंड 10,000 और 1,000 के अराउंड होगा. सर एक्चुअली द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर सेनेट स्कूल कुंजपुरा आर 1,400 एंड अराउंड 1,400. ओके, मतलब 1000 के अराउंड वर्ड बच्चों ने अपने आपको इसमें क्वालिफाई किया, तो नो डाउट इसमें मोर देन 10,000 के आसपास स्टूडेंट तो रहे ही होंगे. तो आपने काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है. अच्छा, एक जो ये सिचुएशन चली रही थी कोविड की, तो ये इसको आप कैसे किस वे से देखते हो? ये आपके लिए एक हेल्पफुल साबित हुआ पीरियड या थोड़ा सा इस सिचुएशन में क्या किया आपने? बिकॉज़ ऑफ कोविड वी लॉस्ट मेनी लाइफ सर, इवन माय ग्रैंडफादर आल्सो. बट because of pandemic, I got a lot of time to prepare myself for AI discovery. तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने हर एक सिचुएशन को एक ओपरचुनिटी के तौर पे देखना चाहिए कि अगर मान लो कुछ टाइम ऐसा भी है जो हम थोड़ा सा बैक लेके जाता है, बट अब उसको हम ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसको उसमें से कैसे कितनी चीजें फ्रूटफुल तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है. तो ऋषभ, एक स्पेशली मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे बहुत बच्चों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि अपनी प्रिपरेशन को वो कैसे करें ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी तरह अचीवमेंट हासिल कर सके? यस सर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द नोट्स व्हिच योर एकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू एंड सेकंड जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी आल्सो फॉर साइंस एंड एसएससी एंड फॉर इंग्लिश यू कैन रीड बुक्स फॉर योर बेटर वोकैबुलरी. ओके ठीक है. एक चीज और लास्ट में, आपने जैसे बोला कि आप ऐसे डिफेंस पर्सन बनना चाहते हो, तो आप कौन सी लाइन को चुनोगे, आर्मी नेवी या एयरफोर्स को, किस किस को चुनना चाहते हो आप? सर आई विल डेफिनेटली गो फॉर आर्मी. ओके, स्पेशली आपके फादर की वजह से ना. यस सर, आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग सर. जी बोलिए. एक्चुअली सर माय ग्रैंडफादर्स ड्रीम वाज दैट माय ग्रैंडसन शुड स्टडी इन मैकेनिक स्कूल और आरएमएस. कोई बात नहीं, आपके ग्रैंडफादर को भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा होगा, तो इट्स ग्रेट. इसमें कोई वो नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट होती है पेरेंट्स के लिए और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, डीसीसी की फैमिली की तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन कि आपने एक बड़ी इतनी बड़ी बिग अचीवमेंट हासिल की है. तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्टेड फॉर योर सैनिक स्कूल के लिए, आप डेफिनेटली अपने मेडिकल को भी क्लियर करोगे, हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है. सो अगेन ऋषभ, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, ना कि सिर्फ आपने अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया बल्कि आपने एक बहुत बड़ी पोजिशन को भी होल्ड किया, आपने सेकंड पोजिशन को होल्ड किया. तो अगेन विश यू मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन और अपने के इस प्रीशियस टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you very much.